दोस्तों, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट या फिर ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो आज के मैच से जुड़ी हर प्लेयर की अपडेट और बेस्ट टीम के लिए ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप फ्री में टिप्स और बेस्ट टीम देख सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका। काफी लंबे इंतजार के बाद हम आ चुके हैं आईपीएल 2018 के फाइनल में। और दोस्तों, आईपीएल 2018 का फाइनल खेलेगी दो टीम, चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद। 8 टीमों ने यह सपना देखा था, लेकिन इन दोनों टीमों ने दोस्तों अपने सपने को किया साकार और आईपीएल 2018 का फाइनल खेलने के लिए है तैयार। 27 मई को होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोनों ही टीम की ताकत की, दोनों ही टीम की कमजोरियों की, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम है बेहतर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों चेन्नई सुपर किंग के स्ट्रेंथ की। तो इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों इनकी बैटिंग लाइनअप। बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है, बहुत ही बड़े बड़े टोटल जो है इस बार इन्होंने चेस किए हैं और लगभग हर मैच में दोस्तों एक इनको नया हीरो मिला है। बात करें इनके बैट्समैन की तो इनके पास है सेन वॉटसन, अंबाती रायडू, सुरेश रैना, महेंद्र सिंह धोनी और दोस्तों लास्ट मैच में इन्हें मिला एक और सुपरस्टार फाफ डुप्लेसिस। साथ ही साथ दोस्तों डेन ब्रावो भी समय आने पर बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है चेन्नई सुपर किंग की। बात करें दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तो चेन्नई सुपर किंग से बिल्कुल विपरीत है इनकी स्ट्रेंथ, और इनकी स्ट्रेंथ है दोस्तों बॉलिंग। काफी खतरनाक बॉलिंग है आईपीएल 2018 में सनराइजर्स हैदराबाद की। हमेशा से ही दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो बॉलिंग के लिए जानी जाती है और इस साल भी काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। बहुत ही कम जो टोटल है इन्होंने डिफेंड किए हैं और दोस्तों लास्ट मैच भी जो है ये बॉलिंग के दम पर ही जीते हैं, जहां पर इस टीम के पास है भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, साथ ही साथ दोस्तों राशिद खान, संदीप शर्मा भी है और साकिब अल हसन भी है इस टीम के पास। तो काफी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है सनराइजर्स हैदराबाद की। तो एक बहुत ही बड़ा टक्कर देखने को मिलने वाला है चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग और सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीम के वीकनेस की। तो चेन्नई सुपर किंग की सबसे बड़ी इस बार वीकनेस है दोस्तों इनकी बॉलिंग। क्वांटिटी बहुत ज्यादा है बॉलिंग के अंदर, यानी दोस्तों एक मैच के अंदर इनके पास बहुत ज्यादा बॉलर जो है अवेलेबल हो जाते हैं। 7-8 बॉलर इनके पास रहते हैं एक मैच में ही। लेकिन अगर बात करें क्वालिटी की तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है चेन्नई सुपर किंग को। दीपक चहर और लुंगी एंगडी काफी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका साथ जो है दूसरे बॉलरों को देना पड़ेगा। बात करें सनराइजर्स हैदराबाद के वीक पॉइंट की तो दोस्तों ये है चेन्नई सुपर किंग से विपरीत, और इनकी वीक पॉइंट है दोस्तों इनकी बैटिंग। काफी कमजोर यहां पर बैटिंग लाइनअप लग रही है आईपीएल 2018 में। बॉलिंग के दम पर काफी मैचेस जीते हैं शिखर धवन और केन विलियमसन, दो ऐसे बल्लेबाज जिनके ऊपर जो है दोस्तों इनकी पूरी बैटिंग टिकी हुई है। लास्ट मैच में भी दोस्तों शिखर धवन और केन विलियमसन नहीं चले तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई और राशिद खान की जरूरत पड़ी। लास्ट में राशिद खान ने काफी अच्छी बैटिंग करी। तो दोस्तों ये थी दोनों ही टीम की ताकत, दोनों ही टीम की कमजोरी, और दोनों ही टीम की जो दोस्तों ताकत और कमजोरी है एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो देखते हैं कौन अपनी ताकत पे काम करेगा और कौन अपनी कमजोरियों को करेगा दूर, और वो ही जीतेगा दोस्तों आईपीएल 2018 का फाइनल। आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा आईपीएल 2018 का फाइनल, आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। आप अपना वोट दे सकते हैं ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके और देख सकते हैं कि आपकी फेवरेट टीम को कितने परसेंट लोगों ने वोट दिया है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन जीतने वाली है आईपीएल 2018 की ट्रॉफी 27 मई वानखेड़े स्टेडियम। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं। मिलेंगे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।